बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही मेरे लिए बड़ी बात, बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये वीडियो फाइनली मैं आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ। ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी एक ऐसी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था कि मैं कम्प्लीट कर पाऊँगा। तो स्टूडियो जो है, मैंने ये जगह जब मुझे मिली थी तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनसे मैंने बात की कि आपके पास कोई जगह खाली है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा फ्यूचर में जब भी आपके पास कोई जगह खाली होगी। और फॉर्चुनेटली तब उनके पास ये स्पेस अवेलेबल था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक स्पेस अवेलेबल है, आप देख लीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। तो मैंने बोला ये तो भगवान का इशारा है कि ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आया, मैंने जगह देखी और मैंने तुरंत ही सर से कहा कि सर ये जगह हम फाइनल कर रहे हैं। और ये बात है दिसंबर के पहले फर्स्ट वीक की, और तब मैं 15 दिसंबर के आसपास ये लेने का प्लान था। बट करते करते हमने जनवरी में फाइनली ये जगह ली। जनवरी फरवरी दोनों बीत गया। फरवरी में मेरे ख्याल से ये हमने नवंबर में लिया। 2 महीने हम कुछ नहीं कर पाए इस जगह पे, और फिर फाइनली मैंने जन्मदिन के आसपास ये प्लान किया कि नहीं अब तो ये करना ही है। और हमने काम करना शुरू किया। ओवर अ पीरियड ऑफ मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के बीच में हमने ये स्टूडियो तैयार किया और ये जो आप देख रहे हैं। तो कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, ये जर्नी आप पहले देख के आइए और उसके बाद फिर हम लोग ये बात जो है ये कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारा आ गया सामान, ये लकड़ी के फ्रेम्स हैं जिसपे अभी रॉकवूल लगेगा और उसके ऊपर कपड़े लग के फिर इससे प्रॉपर साउंड प्रूफिंग होगी। तो ये उतरवा के ऊपर अंदर डलवाते हैं। तो ये सारा फ्रेम आ गया है। अब ये जो सारा फ्रेम है, ये सारा फ्रेम माउंट होगा वॉल्स पे। पहले इसमें कॉस्टिक ट्रीटमेंट होगा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें डलेंगी और उसके बाद फिर ये जो लगेगा फाइनली, तो आपको तब भी दिखाएंगे। तो ये जो फैब्रिक लगना है वो फैब्रिक भी मैं लेके आ गया पंडरी से, बहुत ही सही रेट पर सोर्सिंग हो गई। तो ये सारा जो है आप देख सकते हैं, ये अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। ये सारा रॉकवूल है और ये 2 पैनल पूरे प्रॉपर रेडी हो गए हैं। ये तीसरा बस स्टेपल कर ही रहा हूँ, ये भी रेडी है ऑलमोस्ट। ये दोनों रेडी हैं और ये सारा अभी करना बचा है। तो रॉकवूल जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे इच करता है बॉडी में, तो इसलिए मैं पूरा अपने आप से कवर करके कर रहा हूँ। अकेले कर रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, प्लस जब आप शुरू करते हो तब आपको टेक्निक समझने में, क्या चीज़ करनी इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। उसके बाद आप समझ जाते हो तो थोड़ा वक्त आप फास्ट एन अप हो जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे को समझ में आ गई हैं। तो इसके बाद अब जब भी मैं नेक्स्ट प्लॉट बनाऊंगा, अभी तो मैं ये 5 के बाद ब्रेक लूँगा, नहाऊंगा उसके बाद कुछ खाऊंगा क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ। तो उसके बाद फिर जब मैं अब सेकेंड प्लॉट बनाने रुकूंगा ना, तब जो है बहुत आसानी से बनेगा ये मेरे से, क्योंकि अब मेरे को तरीका समझ में आ गया कि एक्चुअली कैसे बनाना है। तो बस ये कंप्लीट करते हैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो ये जो है ये लॉट की बुद्धू घर को वाला हिसाब है, वापस आ गए हम। तो आज मैं ये सारे मैं लगा के देख रहा था कि कैसा दिखेगा। तो ये तो कलर चेंज हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से डेप्थ बढ़ जाएगा रूम का ओवरऑल, बाकी कुछ ऐसे लगेगा ये सारा पीछे बैकड्रॉप और वॉल से चिपक के जब लगेगा ऊपर भी लगेगा यहाँ पे। तो ये जो 4 फ्रेम्स बचे हैं, ये 4 फ्रेम्स को वापस से वो करना है। कपड़ा ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं आज ये ख़त्म करके घर जाने का सोचा था। बट ओवरऑल कुछ ऐसा लुक आने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है कुछ ऐसे दिखने वाली हैं। रॉकवूल लेने जाना है, तो रॉकवूल के साथ समस्या ये हो गई है कि गाड़ी जो है वो उसकी दिक्कत हो रही है, और रिंग रोड नंबर 2 से लेके आना है इंडस्ट्रियल एरिया से। तो एक कार में 2 से ज़्यादा रॉकवूल आ नहीं सकता, और क्या किया जाए वही अभी समस्या है। तो देखते हैं उसका समाधान निकालते हैं कुछ। गए ऊपर तो 2 मिनट का स्टे था, वापस निकल रहे मैं मयंक, जाते हैं देखेंगे वहाँ ऑटो ऑटो मिल गया तो ऑटो में डाल देंगे, नहीं तो 2 तो आ जाता है कार में वो ले आएंगे। चलते हैं। और मयंक कार से आए थे रॉकवूल लेने, बट कार में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लेके जाना, तो इसलिए फिर हम लोग ऑटो लाने में 10 मिनट का टाइम लग गया। ऑटो में लोड कराते हैं और फिर जाएंगे। ये लोड करा दिए हमने
हम लोग निकलते हैं और भैया जो हैं वो लेके आएंगे 5:30 तक बोल रहे हैं, 5:30 तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद काम चालू करें। मजदूरी करने जैसे ही मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि बिजली नहीं है और ये वाला कमरा काफ़ी ऐसे अंधेरा अंधेरा सा है, तो डायरेक्ट सनलाइट तो आती नहीं है यहाँ तक, तो थोड़ी दिक्कत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक जो किया जा सकता है वो तो करूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, शुरू तो करते हैं किसी चीज़ से। तो जस्ट अभी खबर आई कि 10 से 4 जो है बिजली की कटौती है। सर को मैं कॉल किया था तो सर ने फाइनली बताया कि 10 से 4 कटौती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ सिस्टम बाहर निकाल के किया जाए या क्या किया जाए, पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बहुत मुश्किल से दुकान दुकान भटकने के बाद मेरे को ये मिला है और अब जो है इसको रख देता हूँ ऑफिस में। मम्मी का 3 बार फोन आ गया, चलते ऑफिस से घर। ये फाइनली हमारा पहला पैनल लग गया है, बाकी के पैनल इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है क्योंकि साइज़ का थोड़ा सा ऊपर नीचे लोचा है, बट कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें लगाएं, देखते हैं कैसा आएगा फाइनल आउटकम। अभी तो ये सब में हुक्स लग गए हैं, बट अभी मेन जो काम है टांगना बचा है, और ऊपर वाले जो लगने थे वो फ्लॉप हो गए क्योंकि वो सही से बन नहीं पाए, तो देखते हैं उसका क्या ऑल्टरनेट निकालना है। Day 2 ऑफ सेटिंग अप दिस, और पैनल्स लग रहे हैं अभी, वापस से चालू कर दिए। भैया कल से हेल्प कर रहे हैं हमारी, और अकेले तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि पकड़ने करने में भी सपोर्ट लगता है। ये सब मैं कर लिया अकेले हीरो बन के बिना सपोर्ट के, बट सपोर्ट में करता तो शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता, बट ठीक है अभी भैया का सपोर्ट मिल रहा है तो अपन कर लेंगे जल्दी से। और ये पूरा जो है ये अभी ऐसे टिका हुआ है दीवार पर, ये पूरा प्रॉपर पैनल दीवार पर लग जाएगा। रात के 9 बज गए हैं, सुबह से जो सिलसिला शुरू हुआ था अभी तक चल ही रहा है। ये सारे पैनल्स तो लग गए हैं, एक पैनल बस बचा है वहाँ का, क्योंकि लाइट सोर्स वहीं था और वो लाइट सोर्स अभी निकल जाएगा, तो ये ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी फिट हो गया है। अब बस फाइनल, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि पेंट कराया नहीं कराए, सारी लाइट्स एक बार ऑन होंगी उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लूँगा मैं। तो ओवरऑल नीचे तो काफ़ी मेसी हो गया है, बट ओवरऑल कुछ ये पार्ट ऐसा दिख रहा है, ये पूरा और ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बिल्कुल शूट नहीं किया हूँ टाइम लैप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें प्लान तो करके रखा था मैं कि कर लूँगा, बट हिम्मत ही नहीं हुई, और सब मना भी कर रहे थे कि काम क्यों कर रहा है, काम क्यों कर रहा है, बट काम करके ही शायद थोड़ा बेहतर लग रहा है, काम नहीं करके घर में पड़े पड़े तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब लगने लगता है, बट मेरे को अपने चेहरे से भी दिख रहा है तबीयत ख़राब है इसमें। देखते हैं करते हैं जल्दी जल्दी। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, रात के 11:30 बज रहे हैं और पूरी साफ़ सफाई करके, पूरा तो नीचे नहीं किया, ये पूरा कवर करना बचा है अभी, इस पर क्या करना है ये सोचना बचा है अभी, ऊपर का बचा है अभी, और पेंट करें या ना करें ये सोचना बचा है अभी, लेट्स सी क्या करेंगे। तो एक कारपेट लगाने के लिए भैया भी आ गए हैं, कारपेटिंग का काम होगा पूरा प्रॉपर, ये कलर का कारपेट है और ये ऐसे कुछ लगेगा, ये अच्छा ही लगेगा मेरे को लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा थोड़ा। तो भैया ने ये लगाना चालू कर दिया। और आपका क्या नाम है भैया? मुस्ताक। क्या नाम है? मुस्ताक। मुस्ताक भैया मदद कर रहे हैं हमारी ये लगाने में, और ये लगा रहे हैं। थोड़ा सा वो साइड का कॉर्नर जो है ना वो बच रहा है, तो उसके लिए अलग से लाना पड़ेगा, तो वो लेने में अभी चले जाऊंगा, बट ओवरऑल काफ़ी सही लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ओवरऑल काफ़ी मेहनत जो की है हमने वो वर्थ इट नज़र आ रही है। तो ये भी पूरा इधर लगेगा अभी, और इसकी खुशबू बड़ी मस्त लगती है। ऑलमोस्ट डन विद द प्रोसीडिंग्स, हो ही गया है भैया, बस लास्ट का फाइनल टच दे रहे हैं। वो जो एक्स्ट्रा था वो भी मैं लेके आ गया था अलग से लगा, जो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, भूल गया था ब्लॉक कर रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है ना, मैं भूल जाता हूँ, बट ओवरऑल काफ़ी सही लग रहा है यार, नाइस डिसीजंस, फ्यू नाइस अननोन डिसीजंस दैट आई मेड, मेकिंग इट लुक वेरी नाइस। तो कारपेट लग गया है, मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ये ओवरऑल काफ़ी सुंदर, अपने हाथों से बनाई है मैंने ये चीज़, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो भैया आ गए हैं और ये लगा रहे हैं अभी, जो अपना लगाना है एक्सटेंडर ये लग जाएगा, उसके बाद अपन काम चालू कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो जगह है ये खजाना है, फर्नीचर लेना है अगर आपको तो, इतनी वैरायटी मिलती है यहाँ पे, मैं लोकेशन डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जब भी, अगर आपको फर्नीचर लेना हो तो, हम सालों से यहीं से ले रहे हैं सारी फर्नीचर, बहुत अच्छी जगह है। तो ये चेयर भी अपना फाइनल हो गया, ये लेके जा रहे हैं बस, अब अपन आज लेना ही था, ये फाइनल था बस, अब लेके जा रहे हैं। तो बड़े मज़ेदार भैया मिल गए हमको, ये जो है सुबह से मस्त अपना शादी ब्याह का माहौल है, तो अपना बढ़िया एंजॉय करते हुए ले लिए हैं, तो अभी छोड़ने जा रहे हैं, अब कितना किस हद तक छोड़ पाएंगे भैया।
देखते हैं। नहीं भैया हम लोग साथ ही साथ जाएंगे भैया के, वैसा दिक्कत नहीं होने देंगे। नहीं तो बहुत चांस है कि भैया कहीं और ले जाएंगे। हाँ अरे नहीं भैया आपको कहाँ बदनाम, क्या बात कर रहे हो। धूम 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 फाइनली ये जो पार्ट है ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया और ये रिबन लगा दिए हम लोग। पूजा पार्ट तो अब पता नहीं कब होगा, पर स्पेशल इवेंट के लिए स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं हम लोग। मम्मी आ गई है और मम्मी जाने वाली है कल, तो हम लोग सोचे कि मम्मी से पहले ओपनिंग करा लेते हैं। पूजा पार्ट तो होते रहेगा फिर उसके बाद। आइए आइए आइए, एक बार में फोड़ना है, चलो दोबारा डाल देंगे। अरे गजब, वाह 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 वाह। कैसा लग रहा है शर्मा जी आपको? अरे बहुत बढ़िया आंटी, आपको मेरा फेजेस में हुआ है ना, तो मेरे को तो नॉर्मल ही लगेगा। इन लोग बताएंगे पूरा वीडियो कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्लॉग का? बस अब जल्दी आ जाएगा, ये फाइनल स्टेज था। हाँ। अब तो रेडी हो गया पूरा, तो अब आ जाएगा। अब इसके बाद के जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस एक साथ आएंगे। बस आपके लिए रुके थे हम लोग। हाँ, तेरे लिए रुके थे। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। स्टूडियो कैसा लगा ओवरऑल? बहुत अच्छा। तू तो एकदम मैचिंग भी हो गया तेरे उसके साथ, ठीक है? तो फोटो में जैसे देखी थी वैसी है कि थोड़ा अलग है? ठीक है, अब तो मम्मी के जाने का समय हो रहा है, चलते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और ये पहला वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ तो रिकॉर्ड करूँ। एक बार मैंने लाइव आने की भी कोशिश की यहाँ से, पर मेरे दिमाग में ये था कि पहले जब तक ये वीडियो बन नहीं जाता, जब तक आप लोग स्टूडियो का पूरा मेकिंग नहीं देख लेते, तब तक मैं कुछ और रिकॉर्ड करके ना डालूँ। तो इसलिए मैंने अभी तक कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं किया। और इस बात को कम से कम अब ऑलमोस्ट एक हफ्ते हो गए हैं कि स्टूडियो रेडी है, पर मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगा हुआ हूँ अभी भी कि क्या एग्जैक्ट कंटेंट जो है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक और नया चैनल मैं शुरू करूँगा, दैट इज़ फॉर श्योर, और उसका एक अनाउंसमेंट भी है ये, आप समझ लीजिए, जिसमें मैं अपनी लिखी हुई नहीं लेकिन जितने बड़े शायर हुए, जितने बड़े कवि हुए, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएँ, वो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से डालूंगा। अपने इस पेज पे भी मैंने सोचा है कि हम शॉर्ट्स अब थोड़ा रेगुलर डालेंगे, जिसमें कुछ बातें होंगी। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट आप देखना चाहेंगे। और क्योंकि हमने एक म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टूडियो बनाया है, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ लगातार आवाज़ के साथ में करते रहेंगे। नाम भी आवाज़ रखने के पीछे का कारण यही था। मैंने बहुत पहले कॉलेज के टाइम पे एक पेज बनाया था अपना, जिसका नाम मैंने रखा था मेरी आवाज़। अब मेरी आवाज़ बहुत लिमिटेशंस ले आता, तो इसलिए मेरी आवाज़ से हमने मेरी हटा दिया और सिर्फ आवाज़ रखा, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन में हम कुछ भी करें हर चीज़ आवाज़ से शुरू होती है, तो इसलिए आवाज़ नाम मैंने फाइनल किया। और बस अब लगातार आशा रहेगी कि आप लोग ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जिसमें हम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस भी बढ़ जाएंगे हम लोगों के। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको स्टूडियो बनाना होगा खुद का, तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, आप लोगों को लग रहा है कि मैं एक पूरे स्टूडियो का कितने पैसे लगे, क्या क्या चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ से सोर्स की, वो वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक वैसा भी वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ बताइए, तो मैं एक पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में सारी चीज़ें करके एक वीडियो उसके लिए भी डेडिकेशन के साथ बना लूँगा। ताकि क्योंकि जब मैं ढूंढ रहा था ना, तो इंडिया में मुझे ऐसे वीडियोज़ मिल नहीं रहे थे। बाहर के बहुत सारे वीडियोज़ थे, जैसे साउंड पैनल के एक या दो ही वीडियो अवेलेबल थे, और मैंने सारी चीज़ें खुद से बनाई हैं। मतलब ऑफ कोर्स जैसे कारपेट लगवाना था, तो वो मैं नहीं कर सकता था, तो उसके लिए मैंने किसी और को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन मैंने कहीं और से बुलाया। बट मेजर चीज़ें जो मैं खुद से कर सकता था, चाहे वो कपड़े सोर्स करने हो, चाहे वो पैनल्स खुद से बनाने हो, उसमें रॉकवुड डालना हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद से ही की। तो बस ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूँ ये चीज़, बट आज मुझे याद है। और रेगुलर हम कंटेंट अब डालते रहेंगे, तो अपना साथ जो है वो बनाए रखिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।